Imran bhai, chai. Thank you very much. अरे वाह, चाय तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो। साहब घर में नहीं है, वो तो बाहर चला गया। उसने हमको बोला है कि सब नौकर को छुट्टी दे दो। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, माफी तो फहमीदा से मांगनी पड़ेगी। आज रखो और जब तक ये माफी नहीं मांगेगी मामला खत्म नहीं होगा। अख्तर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डालकर चले गए हो। तुम्हें तो पता था मैं कमजोर हूं, नातवा हूं, फिर भी तुम ही तो कहा करते थे कि मैं बहुत नाजुक हूं। मामूली मामूली बातों पर रोने लगती हूं। कितना छेड़ा करते थे तुम मुझे, कितना हंसा करते थे मेरे आंसुओं पर। अब भी तुम जरूर हंस रहे होगे, मगर देख लो मैं तुमसे किया हुआ वादा अब तक निभा रही हूं। रोना छोड़ दिया है मैंने। बतूल, जरा बाप को फोन तो लगाओ, पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई है, अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। अम्मी वो चाय पीने बैठ गए होंगे ना वहाँ, अब फजूल में परेशान हो रही हैं। पागल तो नहीं हो गई तुम? ऐसे ही परेशान नहीं हो रही मैं, कल देखा नहीं था तुमने कैसे लड़ पड़े थे नजीब भाई के साथ? कहीं दोबारा ही ना लड़ पड़े हो, बनी बनाई बात ही सारी बिगड़ जाएगी। मेरे हाथ पांव भूले जा रहे हैं और तुम इत्मीनान से बैठी कहानियां पढ़ रही हो। उठो फोन मिला बाप को। अम्मी क्या हो गया है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा इंतजाम करने में लगी हुई मैं, समझी तुम? अब कहाँ जा रही हो? फोन लेने जा रही हूं अपना। क्या हुआ अम्मी, किसका इंतजाम कर रही हैं आप? कुछ नहीं बस ऐसे ही। तुम बताओ कैसी जा रही तुम्हारी नौकरी? जबरदस्त, हो सकता है कि अगले महीने मेरी प्रमोशन भी हो जाए। अरे वाह, मेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी और बतूल की शादी एक साथ ही कर दूं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने मेरे लिए कोई लड़की पसंद कर ली है। बस एक बार बतूल की बात पक्की हो जाए फिर तुम्हारे लिए भी लड़की देखूंगी। बतूल की बात कहाँ पक्की कर रही हैं आप? तकरीबन समझो हो ही गई है। कहाँ हो गई है बात, कुछ मुझे भी तो पता चले। अभी तो बस सरसरी सी बात की है हाजरापा ने, पर वो कह रही थी कि बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगी। बेटी का रिश्ता तो अपनों में ही अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे बराबर की किसी अच्छे घर से लड़की ढूंढ कर लाऊंगी मैं। अम्मी, अबू ने फोन उठा लिया, रास्ते में ही है वो। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई वहाँ? अब ये तो नहीं पूछा ना मैंने, जब वो आएंगे आप खुद ही पूछ लेना। अगर तुम पढ़ना लिखना नहीं छोड़ सकती तो मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। फहमीदा खाला का ख्याल ना होता तो मैं पलट कर कभी सरकार से पैसा देता। देखो गुलनाज, अगर मुझे पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी होती ना तो बहुत लड़की, मेरी समझ में नहीं आती पढ़ी लिखी लड़की। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि इमरान तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ है, अगर वो तुमसे शादी करने के लिए अभी तैयार है तो तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती हो। बेटा, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि तुम दोनों बहनें अपनी घर की हो जाओ, बस।
क्या बात है गुलनाज? पता नहीं क्या हो गया अम्मी मुझे, एग्जाम्स होने में सिर्फ एक हफ्ता रहता है लेकिन मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। किताब खोलती हूँ तो सर घूमने लगता है, अल्फाज धुंधले से नजर आने लगते हैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब दिल और दिमाग के बीच में जंग चल रही हो तो फिर ऐसा ही होता है। तुम अपनी जिंदगी आसान क्यों नहीं कर लेती गुलनाज? आपकी जिंदगी आसान है क्या? तुम कहना क्या चाह रही हो? अम्मी अगर आप ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो किसी कोठी में खाना बनाने के बजाय आप किसी अच्छी जगह जॉब कर रही होती। अल्लाह ना करे तुम्हें कभी जॉब करनी पड़े। पता है तुम्हारे अब्बू जब जिंदा थे तो मुझे कोई काम नहीं करने देते थे, वो तो मैं अपनी जिद पूरी करने के लिए कभी कभार खाना पका लेती थी। मगर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? को देख के ऐसे सोचती हूँ मैं, जो हादसा आपके साथ हुआ तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। बचपन से लड़कियों को शहजादों के ख्वाब दिखाए जाते हैं, उन्हें ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जिनमें खो कर वो भूल जाती है कि हकीकत कितनी कड़वी है। मुझे सारी जिंदगी किसी का मोहताज नहीं बनना अम्मी। खोई हुई जाने कहा मेरी हर खुशी अपनी जबान काबू में रखना, जिस काम के लिए जा रही हो वही करना, खुश असलूबी से, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम तो फिक्र ही ना करो नजीब अहमद, जब तक तुम्हारी तसल्ली नहीं हो जाएगी ना मैं हाथ जोड़ के फहमीदा बेगम के सामने खड़ी रहूंगी। ये हाजरा जबान दे रही है तुमको, पीछे नहीं हटूंगी, ऐसी माफी मांगूंगी कि माफी मांगने का हक अदा हो जाएगा। हाँ, जानता हूँ तुम्हें अच्छी तरह, तुम्हारे दिल में क्या है? अरे दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, और अगर तुम ये जानते ना कि मेरे दिल में क्या है तो इस तरह फ्रंट सीट पे इज्जत से बिठा के मुझे जलील करवाने के लिए मेरी दुश्मन के घर ना लेके जा रहे होते। ले लो, घर आ गए, थोड़ा मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूं। गुलनाज तुम कमरे में जाओ। जी। मैं यहाँ पे तुमसे अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आई हूँ। अजीब खालू ने आपके लिए रिश्ता भेजा था। हाँ भेजा था रिश्ता, तो तुम क्या समझ रही हो? क्या समझ में आया तुम्हें? बोलो। बस अम्मी इस बात को यहीं दफन कर। इस वक्त कौन आ गया है? मैं देखती हूँ। खालू, हाजरा खाला आए, अंदर आए, आइए खाला, आए खालू। हाजरा आप आइए बैठिए। वो मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई। बैठ जाओ। बैठे ना। वो फहमीदा बात दरअसल। गुलनाज तुम कमरे में जाओ। जी। मैं यहाँ पे तुमसे अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आई हूँ। माफी? किस चीज की माफी? आपा
नहीं नहीं फहमीदा, गलती तो मुझसे हुई है ना, तो तुम्हारा बड़ा पन है कि तुम इस तरह कह रही हो। मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठी हूँ, मेरे मुँह पे जो भी बुरा भला कह के अपने दिल की बड़ास निकालनी है वो तुम निकाल लो, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। देखो फहमीदा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो। क्या कर रही हैं आप? अगर आपने मुझे कुछ कह भी दिया तो खुदा गवाह आप मेरी बड़ी हैं, मेरे दिल में कोई बात नहीं रखी है। ऐसे मत करके मुझे शर्मिंदा करें। नहीं फहमीदा, मेरे दिल को तब तक तसल्ली नहीं होगी जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कह दोगे कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। ऐसे मत करें आप, मेरे घर आ गई, मेरे लिए इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। नहीं नहीं फहमीदा, जब तक तुम मुझे कह नहीं दोगी ना कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैं इसी तरह सारी रात तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के बैठी रहूँगी। चलो बस बस, हो गई तुम्हारी माफ़ी। मैं आपके लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम करती हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि आप मेरे घर आई हैं। नहीं नहीं फहमीदा, मैं तो यहाँ पर सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आई थी, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने समझ लिया कि मेरी दावत होगी, अब मैं चलूँगी। पापा, मैं आपको ऐसे थोड़ी जाने दूँगी। नहीं ना, बस अब मुझे जाना है। आपा, छोड़ो, जाने दो उसे। क्या बात है, मुझे आपा कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है वो। बहुत अफसोस है मुझे फहमीदा, तुमने हाजरा को तो बेशक माफ कर दिया, लेकिन मेरा दिल अभी भी बहुत रंजीदा है। कल जो कुछ भी हुआ उसका सबब मैं हूं, अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई आया था अभी? जी अम्मी जान, वो हाजरा आई थी। क्या हाजरा आई थी? या अल्लाह, इस घर को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया अम्मी जान? मैं कह देती हूँ फहमीदा, हाजरा का इस घर में आना नेक शगुन नहीं है। अम्मी जान, आपका दिल आखिर कब साफ होगा मेरे रिश्तेदारों की तरफ से? इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं है। चलो, मैं तो बदगुमा सही, तुम तो बहुत खुशगुमा हो ना। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ भलाई कौन सी की है? मुझे तो आज भी अच्छी तरह से याद है, और तुम्हें याद करा दूं कि अभी तुम्हारी इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी, यही तुम्हारे शादीशुदा रिश्तेदार तुम्हारे लिए रिश्ते भेज रहे थे। तुम भूल गई हो ना, तो तुम्हें मैं याद कराए देती हूँ कि तुम्हारी इन दो चचेरी बहनों ने तुम्हारे साथ वो हंगामा किया था कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। जान बस भी करे, वो तुम्हारी जात की बात थी, ये तुम्हारी बेटियों का मामला है। इनसे जितना दूर रहोगी ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एक बात बताओ, इतने बरस बीत गए, उन्होंने कभी झूठे मुंह तुम्हें पूछा तक नहीं कि किस हाल में हो तुम? अरे समझ नहीं आती कि आज उनका खून क्यों जोश मारने लग गया। आप भी हद करती है अम्मी जान, कम से कम गुलनाज का तो ख्याल रख लेती। गुलनाज, उसका ख्याल रख लेती, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है। गुलनाज, बेटा मेरी बात तो सुन लो। गुलनाज, गुलनाज,
गुलास बेटा कहें क्या कहना है आपको? बेटा तुम अपनी दादी की बातों को दिल पे सवार मत करो, तुम्हें तो पता है अम्मी जान का जो मुंह में आता है बोल देती हैं। तुम उनकी बातों को लेके परेशान मत हो। दादी की बातें सुनकर मुझे हाजरा खाला की सारी बातें समझ आ गई। अब मुझे पता चला है हाजरा खाला को आपके साथ मसला क्या था, क्यों उन्हें इतना गुस्सा आया है आपको और नजीब खालू को साथ देकर। नजीब खालू ने आपके लिए रिश्ता भेजा था? हाँ भेजा था रिश्ता, तो तुम क्या समझ रही हो? क्या समझ में आया तुम्हें बोलो। बस अम्मी इस बात को यहीं दफन करते, इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलें जिन्हें सुनने के बाद आपको या मुझे पछताना पड़े। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्या बेटियां ऐसी होती हैं? अब मुझे अपनी बेटियों के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी? तो मेरे किरदार पे शक कर रही हो? अरे दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहे, तुम दोनों को तो मुझ पे भरोसा होना चाहिए। अम्मी तुमने अच्छा नहीं किया गुलनास, फजूल में तुमने अम्मी को रुला दिया, कितनी बुरी बात है। अब अगर नजीब मामू ने अम्मी के लिए रिश्ता भेज दिया था तो इसमें उनका क्या कसूर है? मामू मत कहो उन्हें, हमारे मामू नहीं है वो। हाँ उन्होंने भी मुझे कहा था कि मुझे मामू ना कहा करो खालू कहा करो, मैं हमेशा भूल जाती हूँ पता नहीं क्यों। अच्छा खैर मामू या खालू क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अगर वो हमारे मामू होते हैं तो हम यूं बेआसरा ना होते। वालेकुम अस्सलाम। जुल्करनैन क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जब से वापस आए हैं इसी तरह बुत बने बैठे हुए, खुदा ना खास्ता कहीं बुखार तो नहीं हो गया? पागल तो नहीं होगी तुम? रुकिए, इंसान का कभी मूड नहीं होता किसी से बात करने का। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? पेशानी पे हाथ ही तो रखा है। खैर छोड़ें, आप ये बताएं नजीब भाई से मिले थे, कोई बात हुई उनसे? जो काम करने गया था कर आया हूं, क्या तफसीलात जानना चाहती हो तुम? आपको हो क्या गया है जुल्करनैन? आज तो आपको मेरी हर बात पे गुस्सा आ रहा है, क्या बात है, क्या छुपा रहे हैं मुझसे? तुम जैसी जाहिल औरतों की सारी जिंदगी जासूसी में गुजर जाती, सारा वक्त खोज लगाती रहती। मर्दों के 100 मसले होते हैं, कारोबारी रुकावटें होती हैं, तुम्हें हर बात तो बताई नहीं जा सकती ना। क्यों नहीं बताई जा सकती? हम औरतें इतनी कुंजहन तो नहीं होती हैं? मेरे अब्बा जी मरहूम लाखों का हिसाब किताब मुझसे ही करवाते थे, मैं ही उनका बैंक हुआ करती थी, इसीलिए दिवालिया हो गए वो। खैर मैं तुमसे इस वक्त बहस नहीं कर सकता, मुझे आराम करने दो और तुम जाओ। कोई बात है जरूर, कारोबारी रुकावटों में तो कभी आप इतना परेशान नहीं हुए, जरूर कोई और बात है। नजीब भाई से तो लड़कर नहीं आए आप? रुकैया। अच्छा ठीक है ना बताएं, मैं हाजरापा को फोन करके पूछ लूं। हे रुकैया आज का दिन मेरे दिल पे लिखा गया, कयामत का दिन आ जाएगा ना, लेकिन आज जो मेरी बेइज्जती हुई है ना
وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ نازا کے وقت کیا تکلیف ہوتی ہوگی انسان کو جو آج مجھے فہمیدہ کے سامنے ہوئی۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں آپا۔ نہیں رکیہ، یہ وہ تکلیف ہے جو کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ جو آج میرے ساتھ ہوئی ہے نا وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ رکیہ میں بھی تم سے وعدہ کر رہی ہوں، اپنے ہر مجرم سے اپنی اس بے عزتی کا گن گن کے بدلہ لوں گی، دیکھ لینا تم۔ آپا آپ اتنی جذباتی نہ ہوں، کہیں آپ کی طبیعت ہی نہ خراب ہو جائے۔ ہائے رکیہ تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آپا، میں کیسی فکر نہ کروں؟ کسی اور کو فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن مجھے آپ کی فکر ہے۔ مجھے آپ کے درد کا احساس بھی ہے، بس آپ غصہ تھوک دیں۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ بتول کیسی ہے؟ میں آج وہاں آئی بھی تھی لیکن اس سے بات ہی نہیں کر سکی۔ بتول بھی بہت پریشان ہے آپا، جب سے اسے پتا چلا نا آپ فہمیدہ کے گھر معافی مانگنے گئی ہیں، غصے سے لال پیلی ہو رہی ہے وہ۔ میری بچی بتول کو کہنا کہ میرے لیے پریشان نہ ہو، یہ سب کچھ میں اسی کے لیے تو کر رہی ہوں۔ میں اس لڑائی کو زیادہ طول دے کر امجد اور بتول کی شادی کو لٹکانا نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں آپا، لیکن وہ بچی ہے، اس کی سمجھ میں ایسی باتیں کہاں آتی ہیں۔ خیر اب آپ موقع دے کر نجیب بھائی سے بات کر ہی لیں، اس نیک کام میں اور دیر نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ تم بے فکر رہو رکیہ، بالکل بے فکر رہو، میں کل ہی بات کرتی ہوں۔ ہاں اچھا چلو اب رکھتی ہوں، خدا حافظ۔ ہاں خدا حافظ آپا۔ دادی کی باتیں سن کر مجھے حاجرہ خالہ کی ساری باتیں سمجھ آ گئی۔ اب مجھے پتا چلا ہے حاجرہ خالہ کو آپ کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، کیوں انہیں اتنا غصہ آیا ہے آپ کو اور نجیب خالو کو ساتھ دیکھ کر۔ نجیب خالو نے آپ کے لیے ایک رشتہ بھیجا تھا۔ بس امی اس بات کو یہیں دفن کر دیں، اس سے پہلے کہ میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلیں جنہیں سننے کے بعد آپ کو یا مجھے پچھتانا پڑے۔ فہمیدہ سو گی بھی کہ یوں ہی ساری رات بیٹھی رہو گی؟ نیند تو آپ نے میری اڑا دی ہے امی جان، آخر کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ میری بیٹیوں کا دل میلا کر دیا آپ نے مجھ سے، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں؟ تیری شادی ہوگی تو بتول سے ہوگی اور یہ بات ہو گئی ہے اب طے، سمجھا تو؟ امی مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، میں کسی بھی صورت بتول سے شادی نہیں کروں گا۔ بات سنو، کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ دیکھ امجد بیٹا، تجھے میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، تیری شادی ہوگی تو بتول سے ہوگی اور یہ بات ہو گئی ہے اب طے، سمجھا تو؟ امی مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، میں کسی بھی صورت بتول سے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا تو بتول سے شادی؟ آخر اس میں کیا کمی ہے؟ اچھی خاصی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی اور گھرداری بھی سمجھتی ہے، اور کیا چاہیے تجھ کو؟ امی صرف گھرداری کافی نہیں ہوتی لڑکی کے لیے؟ تو امجد تجھے اور کیا چاہیے؟ بیٹا تو میری بات سمجھنے کی کوشش کر، یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا جو شادی سے پہلے ہر وقت بنی سوری مسکراتی پھرتی رہتی ہیں، شادی کے بعد ان کی یہی خوبی ان کا سب سے بڑا عیب بن جاتی ہے۔ مرد کو وہی عورت راس آتی ہے جسے گھرداری سمجھ میں آتی ہو، اور میں جانتی ہوں کہ اس معاملے میں پورے خاندان میں بتول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ امی یہ ضروری تو نہیں کہ جو لڑکی بنی سوری رہتی ہو ہسمو کو وہ گھرداری نہ جانتی ہو۔ امجد اس میں تیرا قصور نہیں ہے، تیرا قصور نہیں ہے، میں بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں ایسی چلاک اور شاطر عورتوں کو جو اپنی اداؤں سے تیرے جیسے سادہ اور معصوم، بلکہ اگر عام الفاظ میں کہنا تو بیوقوف لڑکوں کی آنکھوں پہ اپنی محبت کی پٹیاں باندھ دیتی ہیں، اور یہ پٹیاں تب کھلتی ہیں جب وہ بیوی بن کے گھر میں آتی ہیں۔ لیکن بیٹا اس وقت ہوتا ہے اپنی غلطی کا احساس، پر تب بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بیٹا تو دیکھتا نہیں ہے طلاق کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے، گھروں میں اتنی کنواری نہیں بیٹھی جتنی طلاق یافتہ بیٹھی ہیں، اور یہ سب محبت کی شادیوں کا نتیجہ ہے۔ امی آپ کی فلسفی میری سمجھ سے باہر ہے، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں دردانہ کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ آپ بھائی نا، آپ بھائی نا دل کی بات زبان پہ،
जानती थी वो मेरे घर का पीछा नहीं छोड़ेगी। जब बाप को नहीं हत्या सकी तो बेटे पे डोरे डालने शुरू कर दिए। मैंने तुझे बता दिया है, कुछ भी हो जाए मैं दुर्दाना को किसी भी सूरत में इस घर की बहू बना के नहीं लाऊंगी, समझ गया? अम्मी आखिर आपको खाला फहमीदा से मसला क्या है? बेटा कोई एक मसला हो तो बताओ ना, लंबी फहरिस्त है मसलों की, लेकिन उन मसलों पे ना मैं तेरे साथ बहस नहीं करना चाहती। बेटा तुझे मैं अपना फैसला सुना चुकी, मैं रुकैया को दे चुकी हूँ जबान, और तेरी शादी होगी तो बतूल से होगी। बेहतर तेरे लिए यही होगा कि तू फहमीदा के घर के चक्कर लगाना बंद कर दे, समझा तू? अम्मी अम्मी मेरी बात तो सुने। तो फिर तुम जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। यानी कि तुमने फैसला कर लिया है? हाँ फैसला कर लिया मैंने। मतलब अब तो तुम्हें समझाने का भी कोई फायदा नहीं होगा? मुझे देर हो रही है दुर्दाना, हटो मेरे रास्ते से। देखो मैं जानती हूँ अब तुम मेरी बात नहीं मानोगी, लेकिन फिर भी बहन होने के नाते मेरा तुम्हें एक मशवरा है। हो सके तो अपने फैसले पर एक बार फिर से गौर कर लो। हो सकता है जो बात तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रही वो अब आ जाए। मुझे अगर इमरान पर भरोसा होता ना, कब का अपना फैसला बदल चुकी होती मैं। लेकिन वो खाला रुकैया का बेटा, और उसने हर कदम पर ये बात साबित की। और खाला रुकैया को तो तुम जानती हो, अगर अपने फायदे के लिए उन्हें तीसरी जंग अजीम भी शुरू करवानी पड़े ना तो वो करवा देंगी। मैंने सुना है कि सच्ची मोहब्बत इंसान को बदल के रख देती है। हो सकता है इमरान भाई भी बदल जाए, एक बार मौका तो दो उनको। सच पूछो तो मुझे अब अपनी मोहब्बत पर ही शक होने लगा। हाय रुकैया, अपने कानों से सब कुछ सुनने के बाद मुझे तो अब तब तक चैन नहीं आएगा जब तक अमजद बतूल को दुल्हन बना के घर नहीं ले आता। हाय अमजद के मुंह से दुर्दाना का नाम सुनना था कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तो फिर देर किस बात की है आपा, कोई दिन रख लेते हैं, रस्म कर लेते हैं, इस तरह कम से कम वो फहमीदा के दिमाग से अमजद का ख्याल तो निकलेगा ना। अरे रुकैया क्या हो गया, ये फहमीदा इतनी आसानी से अमजद का पीछा छोड़ने वाली नहीं। भूल गई हो क्या किस तरह सबकी नजरों के सामने से अख्तर को ले उड़ी थी? सब के सब बस देखते रह गए थे, किसी की एक ना चली थी इसके सामने। मुझे सब याद है आपा, कोई बात नहीं भूली मैं। बस मेरी बहन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं आज ही नजीब से बात कर कर कोई अच्छा सा दिन रख लेती हूँ, दोनों की सादगी से मंगनी कर देते। मैं तो खुद यही चाहती हूँ आपा, पर लड़की वाली हूँ इसलिए पहल नहीं कर सकती, शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ हाँ मैं ही करूँगी शुरुआत, बस मुझे नजीब से बात कर लेने दो, बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। तो बस फिर मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके फ़ोन का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पता नहीं ये फहमीदा का भूत कब तक हमें डराता रहेगा। एक मुसीबत टलती नहीं है कि दूसरी सर उठा लेती है। अब क्या हुआ अम्मी? हाजरा आपा का फोन आया था, बता रही थी कि अमजद दुर्दाना से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। तो ये कौन सी कोई ढकी छुपी बात है, मुझे तो पहले से ही पता है। तुम्हें कैसे पता है ये सब? सालगिरह पे अमजद को मैंने दुर्दाना से फोन पर बातें करते सुन लिया था। अच्छा जी, और मुझे तो लगता है उस दिन नजीब खालू भी फहमीदा खाला को उसी के कहने पर लेकर आए थे। देखिए अम्मी, अगर अमजद दुर्दाना से मोहब्बत करता है तो मुझे जबरदस्ती उसके पल्ले बांधने की तो कोई जरूरत नहीं है ना, और मैं नहीं चाहती कि मैं हाजरा खाला की तरह पूरी जिंदगी तड़प तड़प कर गुजार दूं।
और अपने शौहर की पहरेदारी भी करनी पड़े। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ अम्मी, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे मोहब्बत तो करता हो, ये ना वो पूरी जिंदगी किसी और को याद करके आहें भरता रहे, मेरा दिल जलाता रहे। पागल तो नहीं हो गई तुम? अगर तुम्हारी शादी अमजद से ना हुई तो कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए दुल्हा? ये तो देखा भाला है, कोई ऊंच नीच होगी तो हम बड़े मिलकर समझा बुझा लेंगे। गैरों में शादी हुई तो क्या पता कैसे लोग मिले। अम्मी जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, लेकिन मैं आंखों देखी मक्खी कैसे निगल लूं, ये जानकर भी कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। मैं शादी करके पूरी जिंदगी पछताना नहीं चाहती। बस बस, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। बात सुनो, काफी देर से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तो क्यों खड़े हो, ये कोई शरीफों का तरीका नहीं है। जाओ यहाँ से, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। लोग देखेंगे? तुम कब से लोगों की परवाह करने लगी? कहना क्या चाहते हो तुम? अब सारी बातें मैं यहाँ खड़े खड़े तो नहीं कर सकता। आओ मेरे साथ, कहीं बैठ के बात करते हैं। देखो तुम्हें जो भी बात करनी है घर आकर करो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। घर आकर बात करो, तुमसे मैं मिलने के आता हूँ, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती हो। तुम्हें अच्छे से पता है लड़कियों की कमी नहीं है मुझे, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ मुझे, चुपचाप आओ मेरे साथ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। बैठो। अम्मी बिजली का बिल आ गया, देख के बताना कितने का है। हाँ 4,200 रुपये। 4,200? हाँ आप खुद देख लें चाहे, और पता है कल तक अगर इसको जमा ना करवाया ना तो इस पे 500 रुपये ऊपर जुर्माना लग जाएगा, कल इसकी लास्ट डेट है। ये बिल कैसे अदा किया जाएगा? क्यों अम्मी, घर में पैसे नहीं है क्या? नहीं पैसे तो हैं, लेकिन अगर ये बिल अदा कर दिया तो आगे पूरे महीने का खर्चा भी है, कैसे चलेगा ये सब सिलसिला? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। गुलनाज नहीं आई अभी तक एकेडमी से? नहीं, वैसे टाइम तो काफी ज्यादा हो गया, अभी तक आ जाना चाहिए था। सुबह मुझसे मिल के भी नहीं गई, पता नहीं किस बात की नाराजगी है मुझसे। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं गुलनाज की बातों पे? वो तो पागल है, उसकी बातों को मत सोचा करें। अब अगर नजीब मामू ने आपके लिए रिश्ता भिजवा दिया था तो इसमें आपकी क्या गलती है? आपने कौन सा उनसे शादी कर ली थी भला? और वैसे भी अब इस बात को इतना अरसा गुजर चुका है, इसको बार बार दोहराने का क्या फायदा? अच्छा जब वो वापस आ जाए तो मुझे जरूर बताना, जब तक मैं उससे बात नहीं कर लूंगी मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ओके बता दूंगी। खाओगी कुछ? नहीं।
तुमने जो बात करनी है वो करो। अम्मी मेरे लिए एक रिश्ता देख रही है, काफी सीरियस है इस मामले में। पैसे वाली अमीर लड़की ढूंढ रही। अभी कल ही वो मुझे कह रही थी कि अमजद और बतूल की शादी के बाद ही फौरन मेरी शादी कर दे। क्या कहा तुमने? अमजद और बतूल की शादी? भाई अम्मी और पप्पो ने उनका रिश्ता तय कर दिया, कुछ ही दिनों में उनकी मंगनी होने वाली। मगर अमजद तो दुर्दाना के साथ। पागल हो तुम? बेवकूफ बना रहा है वो उसे। तुम तो अच्छे से जानती हो पप्पो हाजरा को, खाला फहमीदा का नाम सुनते ही ना उनको आग लग जाती है। वो कैसे दुर्दाना को अपनी बहू बना लेंगी? और अमजद एक नंबर का निकम्मा और फारिग इंसान है, खुद तो कुछ कमाता नहीं है। वरना खुद कुछ कमाता हो ना तो घर वाले उनकी बात भी मानते हैं। और वो तो अब तक उनसे जेब खर्च लेता है, कैसे टाल सकता है उनकी बात। खैर मैं यहाँ दुर्दाना और अमजद की बात करने नहीं आया, अपनी बात करने आया। मेरे लिए भी मुश्किल होगा अम्मी को मनाना, लेकिन मैं खुद मुख्तार हूँ, अपना कमाता हूँ खाता हूँ। मैं चाहता हूँ अम्मी से मैं किसी भी किस्म की बात करने से पहले तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। अब तुम इतनी भी ना समझ नहीं हो कि तुम मेरी बात ना समझ सको। तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं। और इस सवाल की जरूरत तुम्हें क्यों महसूस हुई? इसलिए कि मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं छोड़ी। मेरी पढ़ाई को तुमने अपनी अना का मसला क्यों बना लिया? चलो मान लिया मैंने तुम्हारी पढ़ाई को अपनी अना का मसला बना लिया, तो क्या तुम्हें मेरी अना की तस्कीन की खातिर मेरी बात मान लेनी चाहिए? इमरान शादी के बाद तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना मेरा फर्ज होगा, लेकिन जब तक शादी नहीं होती मैं वही करूँगी जो मुझे ठीक लगेगा। अच्छा इसका मतलब ये है कि शादी से पहले तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम वो करोगे? नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा है मैं वो करूँगी जो मुझे ठीक लगेगा। मतलब तो एक है ना? नहीं मतलब एक नहीं है, तुम मेरी जगह आकर देखो तुम्हें दोनों में फर्क दिखाई देगा। देखो घुमा फिरा के ना मुझसे बात मत करो। मैं तुमसे कोई घुमा फिरा कर बात नहीं कर रही हूँ इमरान, पता नहीं तुम समझते क्यों नहीं हो। और ये जो तुम बात बात पर शर्तें लगा देते हो ना कि तुम ऐसा करोगी तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगी तो ऐसा नहीं होगा, हर ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रिश्ते ऐसे थोड़ी बनते, मोहब्बत तो गैर मशरूत होनी चाहिए ना। देखो गुलनाज मेहंदी मोहब्बत का कायल नहीं हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और ये फैसले का वक्त है गुलनाज, तुम्हें अभी फैसला करना है तुम करना क्या चाहती हो।